दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिसिन से या कैरियर से रिलेटेड। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ साथियों, और हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर जी, मेरा डी फार्मा कंप्लीट हो गया है, क्या मैं आपके यहाँ इंटर्नशिप कर सकता हूँ? साथियों, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, बताएंगे। साथियों, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। डी फार्मा और बी फार्मा की ड्यूरेशन ऑफ टाइम हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथियों, डी फार्मा जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स होता है, क्लिनिकल में मैप होता है साथियों। और बी फार्मा होता है बैचलर का कोर्स होता है, ये इंजीनियरिंग में मैप होता है। साथियों, डी फार्मा जो होता है क्लिनिकल में मैप होता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तर प्रदेश है, या 100-बेड हॉस्पिटल है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल है, CSC है, PSC है, ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे कि PGI है, और जो है क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज है, और जो है एम्स है, इन सभी में साथियों जो फार्मासिस्ट सरकारी होते हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं, क्योंकि वो क्लिनिकल में मैप होते हैं, जहाँ पे दवा का रखरखाव, दवा का वितरण और मरीज की ड्रेसिंग करना, मरीज को इंजेक्शन लगाना, सभी जो है दवा की डोज तक ही बताने का मरीज को जो है डी फार्मा का जो फार्मासिस्ट है वही करता है। साथियों, दवा का रखरखाव, भंडार देखना, मेडिकल लीगल ड्यूटी संपादित करना, एमरजेंसी ड्यूटी संपादित करना, सभी कुछ फार्मासिस्ट का काम है। साथियों, बी फार्मा जो होता है बैचलर डिग्री होती है, बैचलर कोर्स होता है, उसमें होता क्या है 4 साल प्लस का कोर्स होता है, इसमें जो है इंजीनियरिंग में मैप होता है। साथियों, इसमें आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि दवा कम बनाने की कंपनी में जा सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, जो MR होते हैं जो आते हैं उसमें ट्रेनिंग करने के लिए। साथ ही साथ क्या होता है कि आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा होता है, आप क्वालिफिकेशन अपग्रेड करके टीचर बन सकते हैं। साथियों, ड्रग इंस्पेक्टर की जो है सिर्फ पोस्ट सरकारी होती है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, और बहुत सी जो है संघर्ष के बाद जो है एसोसिएशन के या फार्मासिस्ट के कहने से केंद्र की ESI हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी आप सरकारी हो सकते हैं। साथियों, वहाँ पर क्या होता है डी फार्मा जो होते हैं और बी फार्मा दोनों एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो केंद्र की ESI हॉस्पिटल होती हैं उनकी फार्मेसी हैं, अगर उसमें आप एंट्रेंस पास कर जाते हैं उसमें आपकी जॉब लगेगी। साथियों, बहुत सी अब फोर्स में जॉब निकलती है डी फार्मा की, हुई जैसे CRPF होती है, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, उनका सारा पैरामीटर पूरा करना होता है, उसी तरह से आर्मी में है और HL में है, रेलवे है, सभी जगह सरकारी जॉब निकलती है। साथियों, विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि आप यहाँ क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, बहुत सी वीडियो में हमने ये बताया है कि आप कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अगर आप नियर के रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको सीखने के लिए डेली हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपको देखना है कि आप कंफर्ट हैं, आप समय पे पहुंच जाएंगे कि नहीं। अदरवाइज़ आपके जो भी नियर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CSC है, PSC है, वहाँ पर आप अप्रोच करेंगे, वहाँ पर फार्मासिस्ट से मिलेंगे और आप बताएंगे कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, और वो आपका जो है सपोर्ट करेंगे और सब कुछ कराएंगे। अदरवाइज आप अगर लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, हमारे यहाँ बी फार्मा डी फार्मा विद्यार्थी होल ईयर किसी न हर टाइम जो है ट्रेनिंग करने के लिए आते रहते हैं। साथियों, ट्रेनिंग सभी जगह होती है, लेकिन बस उसमें क्या है कि आप भ्रमित मत होइए, आप जाके सीधे फार्मासिस्ट से मिलिए, ना कि दूसरे संवर्ग से, उससे नहीं मिलना है। साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप जो है सबसे बेटर है कि नियर के हॉस्पिटल में करें, जैसे कि जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे नेटिव प्लेस है, आपका निवास स्थान है, जैसे कि विलेज है, गांव है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अदर स्टेट से फार्मेसी करते हैं, जैसे उत्तराखंड से किया और वो UP के रहने वाले हैं, मान लो उन्नाव के रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, लखनऊ में भी कर सकते हैं, अगर जैसे आपका कोई परिचित या इस तरह से रिलेटिव रह रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उत्तराखंड से भी कर सकते हैं। और उसको करने के बाद क्या है कि आपको जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप रिपीट जो है इंस्टीट्यूट जाएंगे, और वहाँ पे दिखाने से आपको जो है डिग्री आपकी मिल जाएगी, जो मार्क्स कार्ड है उसके साथ सर्टिफिकेट है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आपको दे देंगे, उसके बाद आपको जो है PCI में अप्लाई करना है।
साथियों जो क्वेश्चन विद्यार्थी का आई होप क्लियर हो गया होगा, साथियों किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, मैं आंसर उसका जरूर दूंगा। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।